गया था मिस्त्री दौरे। हाँ भाई रसोई वाला काम कर दे भाई, मारा बाकी छूट रखे है और सारा काम हो लिया। फर्नीचर मैं सोचू हूँ अपने छोरी की पसंद का ही करवा लिया। अरे बहू करवा लेगी, छोरी के गिना करवाओगी? मैं अच्छी बात करे है, जो भी काम होया ना अपना घर में छोरी के पसंद तो होया है, और बहू ने क्या है का बेड़ा भी है। ठीक से तो पीछे भी है, जेब में खर्च हो जाएंगे ना, तो छोरी ने बुला ले, फोन कर दिए। फोन तो मैं करूंगी, लाओ फोन दो। वहा फिर बुंडा मुंह बनाओगी, कहोगी माँ यो किसा लगवा लिया, एक आधा दिन तो आ छोरी, जब उसकी पसंद का काम ना आया तो फिर फायदा की है। ठीक से ले बुला ले, तेरी छोरी ने बुला ले तू, या भी तो किसी की छोरी होगी। हेलो रेनू बेटा, ठीक से? ए बढ़िया, नु कौन थी के करे तू इब? अच्छा तो आज घर ना आ जाइए, वो फर्नीचर का काम रह रहा है ना अपना रसोई में। हाँ तो वो बता दी तने किसा करवाना है, तेरी पसंद का ही लगवाओगे यो भी। पागल है के, फोटो में अलग दिखा करे, एक आकर देखेगी जब तना बेड़ा पाटेगा। कोन्या मानू, हाँ जल्दी करके आइए बेटी। वो मिस्त्री आओगा फिर वो समझा दिए एक बार उसमें। हाँ वो मिस्त्री आ जाएगा बखते, और तू भी टाइम तय आ लिए। हाँ किसी प्लाई प्लूई के लगवानी है वो बता देगी। हाँ ठीक से बेटा, चल रखूँ मैं, ये है ना बात। ठीक से ही और तुमने बेड़ा कोनी ये टाइल लगवाई, जब कितना हंगामा कर दिया था कि माँ ये किसे लगवा ली, बुंडी लग गए हैं, ये वह सो सुना होगी, इससे पहले उससे पूछ के कर ले वही काम। यह बात तो सही कहे है, हमने रेणु काम को बहुत ज्ञान से उड़ मंगया ने, खूब सुथरे फर्श करवा रखे हैं, बढ़िया रसोई, मेरे तो बहुत काम पसंद आया छोरी का। और उसने हर चीज का ज्ञान है, जब भी तो कहूँ उससे न बुला लो। ठीक से तो तड़के मिस्त्री आ लेगा, और कुलदीप ने कई सामान लिए आओगे और अपना चालू काम करवा लेंगे। करवा लेंगे, एक चिंता सही को नहीं, और मैं तुम्हें सोचू हूँ लगे हाथों अपने बाहर बाथरूम का गेट ना यो भी सही करवा लेंगे। तो मिस्त्री आप सारा काम करवाओगे? हाँ उस टाइम तो बैग जल्दी थी, हाँ, जब छोड़ दिया था बीच में। ठीक है सब कि में हो जाएगा। ठीक से मैं भी देखो रोटी टुटका का कि में। ठीक से और के काम करवा करो दिन की, यानी छोरी कर ले काम आके। प्रिया रसोई में बढ़ रहे के कर रहे रसोई में तू? किम में ना माँ, रोटी बनाई थी तो रसोई तो साफ करूंगी, सफाई कई लाग रही थी। सफाई ना करे, जो सामान सन है वो सारा काट दे, मिस्त्री आओगा। मिस्त्री क्यों माँ? यो फर्नीचर लगवाना है। अच्छा माँ अपने बेरा है, मैं अपनी दोस्त का गई थी पिछली बार, उसका ब्याह है, उनके घर में इतनी सुथरी रसोई बना रखी, पूरा फर्नीचर लगवा के मैं उस पर फोटो मंगवा लूंगी, पापा भी सेम उसी बनवावांगा। ए फोटो फाटो ना मंगवावे, अपना घर में जो भी काम हो ना, फर्श से लेकर पंखा तक उसकी पसंद का है, तो मैं फर्नीचर भी उससे की पसंद का लगवाऊंगी। माई तक का तो ठीक है, मैं भी मानू हूँ कि जब तक घर में बहू ना हो ना, इतने बेटी की ये चाल लिया करे, पर इब तो रसोई में काम मन न करना है, तो फर्नीचर मेरी पसंद का करवा लो। ए तू चुप हो जा, काम भी हमने करवाना है और पैसे भी हमने देने हैं। पर माँ मैं भी तो सोचा करती कि रसोई न्यू बनवाऊंगी न्यू बनवाऊंगी, और फिर वही बात है, काम तो मन न करना है, रसोई में रेनू ने थोड़ी करना है। जब कह दी जो काम हुआ है अपने घर में रेनू की पसंद तय हुआ है, तो पहले की बात थी माँ। जब तू अपने पीछे लगाओ ना, जब अपनी पसंद का काम करवाइये, बात खत्म। ठीक से जाइब कर ले काम, सारा सामान काट दियो रसोई का। ठीक से माँ। यो के मतलब होया इसी के रेनू चौधरन होगी जो रसोई में किसा फर्नीचर लगेगा, यह बात भी वाई बताओगी? मैं कोई बालक सू, मेरे में दिमाग को नहीं सुने के किम सुनाओगी? तो सुनाएगी जरूर, क्यों नहीं बता। देखियो माँ की बात, वो बाबू रसोई में फर्नीचर लगवा हुआ है और उसका तरमार रेनू ने बुलाने लग रही है, और आपने बेरा है, पिछली बार मैं अपनी दोस्त के ब्याह में गई थी, उनके घर ने मैंने रसोई देखी थी, तो मैंने सोची कि अपनी भी रसोई उसी बनवावांगा। ये बताओ रेनू गान का क्या मतलब होया? अरे तो के बात होगी यार, रेनू कर लेगी पसंद, के फर्क है, तन्ने करे उसने करे, बता रसोई तैयार होनी चाहिए। क्यों यो कौन सा मतलब होया? ये फैसले रेनू अपने घर में लो, ब्याह दी थ्या दी, ये बुरा के भी इसी चौधर चलाओगी की? ये के बताऊं मैं तो, ये इस बात के महाभारत करना तो माना कह तो सको ही हो,
कि माँ उससे भी पूछ ले उसकी क्या पसंद है। माँ ना कहूंगा, माँ बाबू ना कहेगी, फिर वो पंचायत बिठा देंगे, मीटिंग बैठाऊंगा, क्या फायदा यार। लगवा लेना देखी, लगवाओ चार फाट की लागनी हो, नूना लाग जाओ, नूना लाग जाओ। ठीक से तो फिर रेनू ना उरे रख लियो, उस रसोई में रेनू एक काम कर लेगी, मैं तो टाल कर दूंगी। बस ये बात से ये उफन जाएगी। अरे तो के बिजली पड़गी बताने ला रहा, डिजाइन होना है उसमें, नूनो हो जाकर नूनो हो जाओ थोड़ा बहुत। सा मतलब हो आदमी की पसंद भी होती होगी कि मैं ये चीज बार बार तो करवाई ना जाती, कि एक बार मैंने पसंद ना आई तो तुम आगे दोबारा करवा दोगे। बता तेरी पसंद का बन जाए मैं ले तो इसमें रोटी सब्जी बननी है, और उसकी पसंद का बन जाए तो भी रोटी सब्जी बननी है, सिर्फ सोच की बात है। तो इसी सोच थारी है, मेरी को नहीं समझे, पर ना सुनो कोई बात ना, कर लो पंचायत ने ले। मैं नहीं कह रहा सही कहे भाई, एक नारी सब पे बारी। हाँ 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 खेच ले माँ, पैड ले इसने, खाती तो कह रखी है रसोई वाला काम करा, उसने भी कर देगा ठीक से, कर देगा तो। के पंचायत छिड़वा रखी है वहाँ, के कह दिया तन्ना कौन बेरा, वो बहुत ही बोली वो रेनू आके ना फर्नीचर पसंद करेगी, वो रसोई का डिजाइन बताओगी कि जरूरी उस तक कहनी, उस तेन कह दिया ठीक है तेरी पसंद का बनवाए, बादशाह बना बनवा लिया चुपचाप बता, क्यों कलया करवाओ खावा करना। कलया वाई कर रही है, मैंने तो आराम तो कही थी उससे भाई, अपना घर में जो भी काम होया है छोरी की पसंद तो होया है, समझती क्यों नहीं। इतना मेरा बयान आया था ना माँ, इतना कोई दिक्कत ना थी ठीक से, इतना बेबे की खूब चाल रही थी घर में, कोई दिक्कत कौन थी, ये ब्याह हो गया बराबर क्या रही है ठीक है, ये भी इसने बूंदी लग गई ये बात, अब भाई वाह के ना रही पंचायत करे बता के तुख से। तू काली बात बेटा यह है, मैं नु सोचू हूँ रेनू बुरा ना मान जा, नु कह देंगे बहू आते इनके तेवर बदल गए, मेरी जात भी ना पूछते। ऐसा क्या बात माँ, नरेनू की तो चिंता है कि बुरा ना मान जा, यह भी तो किसी की छोरी होगी, बुरा तो यह भी मानना है, इसकी चिंता कौन था, ये वन ब्याह दी थी अगला घर अपना चलाओ चौधर, अपना करो काम, क्या दिक्कत था अपना, अपना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अडाइब करेगी तो इसका दिक्कत बनेगी। तो मैं कद मना करूँ, अपनी चला लेगी या थोड़ा टाइम रुक जा। चला के लेगी जब तू बता रसोई का डिजाइन बता, रेणु आके ना पसंद करेगी तो बता, इसका ताक लाग नहीं दी मैं, उड़ जाएगी मेरी छाती पर है, बोले कि माना ना कह सका तू। अरे ठीक से कोई बात को नहीं, यो काम हो जाए है, बाकी इसकी पसंद तो हो जाएगा। ठीक से वही बात हमने जो सोच रखी हो तो करना ही है, कह ना का उसका तो मतलब है को नहीं। तो समझ जाओ हम दोनों जने भी। अरे मैं तो समझ रहा हूँ, मेरी और तो रेणु की पसंद है कि मैं करा ले बेबे है छोटी, कोई बात को नहीं, मेरा फर्क ना पड़ता, लेकिन तना मेरा हल्लू आई के को नहीं बर्दाश्त होया कर रहा है ये चीज। तो इसका घर में भी चलती होगी इसकी, है कितना फोन करा है, कितनी किया करा है, के बताओ तन कौन मेरा भाई। ठीक से हाँ ठीक से भाई, मन्नत रखना है रेणु पसंद करे सब की, मैं जब भी ठीक सामा तू मेरा मन को नहीं मान। सही है माला कर, ये इसकी न्यारी बात होगी बता, अपना आप भी देखना चाहिए, मानू कह देगी माँ का मन में फर्क आ गया, अब तो बहू प्यारी लग गए हैं, बेटी प्यारी तो लगती है को नहीं। ये तेरी का छांगने पड़ेंगे ये भी। के करने लाग रहे तुम, मैं आड़ गीत गाऊं हूं, दिखदा को निशानी धरी है। बकवास ना करे, अरे इनका मन छोड़, वो मैं तैयार हो रही हूं, मैंने बस स्टैंड तक छोड़या वर। इब की जागी था बस स्टैंड पे, घर तक फोन आया था, कोई जरूरी काम हो रहा है। तेरे घर वाले और कोई काम को नहीं गए, और दूसरा तीसरा दिन फोन खुड़का दे हैं, और तभी बैठी है यो घर को नहीं गए। मैंने कितनी बार कह रखे है, मैं कितने भी जाऊं मैंने टोक्या ना करया करे, पहला ही रोना पड़ जाए तेरा तो। तो हर दूसरे दिन जाएगी तो रोना पड़ेगा, तो कोई जरूरी काम है जल्दी बुला दोगे घर के। जरूरी कौन सा काम को नहीं होता, तेरी तरिया थोड़ी है अखबाना ने साल साल भर याद ना करे, ब्याह दी थे दी यार घर ने के काम उन कही वे इच्छा लगा को नहीं के भाषण देगा यार है। चल तू के माननेगी ना एक ले जाएगी सही हो जाएगा, फर्नीचर का काम हो जाएगा सारा, और फिर मैं नू करूंगी, दो महीना बाद मंदिर और बनवा लूंगी बड़ी। अरे रेनू आई बेटा। हाँ माँ ठीक से। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तो ठीक है कि। हाँ बैठ, कितनी माड़ी हो रही है तू आए, तेरे सासु की मैं खाने को देती के। माँ माड़ी तो आप पे होंगी, तने बेरा अच्छा अच्छा लंगार बांध रखे है, सारा दिन उस गोबर में रह लूँ मैं तो। फिर तेरे सासु ने कह दिया घर ने करवा ले। हाँ पूरी कली आ रही है, सुना है मेरी, चालन देवे की मेरी। बेटा अपना शरीर का ध्यान दे ले, दूध पिया कर खूब, दही भी खाया कर। न्यू ताले रखे सारी चीजा का, जमा भी हाथ को लगाने दें दी काम काम मांग। क्या कौन सी बात है, नुक काम करूंगी तो थारे ही खाऊंगी, पड़ोसी का थोड़ी जाऊंगी मैं। के कहूंगा ब्याह इसे घर में दी। एक के बेरा था तेरी सासू इसी ली करेगी, वा तो मुंह ते बोली दिखे है नी चंडाल से, वा तो के करूं मां, बस पल्ला पड़ गए किते कौन जा सकदी, कोई पीछा छुट्टा मेरा ही। एक कोई बात को नहीं, अरनू भी कुछ दिन आ की सेवा, मर जाएगी फिर तेरा ही राजपाट से। ए मां
वह तो कुछ दिन की है, वो बटे भी काम का को नहीं। वो क्या है? माँ की आम आ रखा वो भी जमा कौन सुनता मेरी तो। उसने तो खींच कर ले ले, ढील ना छोड़ दे। जब ढील छोड़ दी ना तेरा हाथा थली कट जाएगा, अपना काबू का रख उसने। माँ मेरे पर जितना होगा ना उतना तो मैं रखूंगी, ना ही कहना मन तो मैं क्या करूँ। ठीक से अगानी फैसल में ना चल लिया कर, देखी स्वेटर भी कोनी पहन का दी तू। ए माँ तोड़ तोड़ मैं आ गई थी, तेरा फोन आ गया एकदम। अच्छा कोनी जान पाई कि मैं ए फोन तुम कर रहा था मैंने ई फिर बता दू तने फर्नीचर अपनी पसंद का लगवा लिए। ठीक किया माँ तू भी ने। और उस दिन किस तरह के हो गया देख के भी चल लिया करे ना भी टूट गई या देख तो ठीक टाइम पर टूट गई कि रेनू आ रही है रेनू की पसंद ना तो मेरी चप्पल भी ना हो रेनू पसंद करके ला दिए सुथरी सी चप्पल। एक बात बता या मेरी तारीफ है ताना ही हो ताना क्यों था बता माए कह थी रेनू की पसंद बहुत बढ़िया है तो चप्पल भी तेरी पसंद की आऊंगी। हाँ तो फिर के गलत बात कह दी ठीक से अपनी पसंद तल्या कर दी चप्पल भी और ठीक है एकदम। हाँ मैं तो ठीक हूँ तेरी सुना की बात नु नाक चढ़ा के किस तरह बोला है दुखी हो रही है सासू ऐसी मिल रही छोरी ने के करूं सारा किस्मत तेरी जैसी थोड़ी होया करे ना ना सासू मिल रही तने इसी कोई बात कोनी सासू का सिर्फ नाम बुरा होया करे सासू बुरी कोनी होया करे क्यों मां ए नहीं इसकी तो सह भी असली में बेकार है से सारा काम यही करे है इतनी बेकार जद तो तीसरे दिन उरा जा रे नु ना तू कौन जान देती मां मतलब इसकी सासू तो बेकार तो तू है फिर मां या क्यों कर बोलने लग रही है न्यू ओ हो रे नु मेरी बात का बुरा ना मानने तू समझी मना वेरा है किस तरीका तो बोलने लग रही है तू सारी समझ आ रहा है ठीक है नू बता मैंने इसमें गलत क्या कह दी मैं तेरी माती कह दू ना मैंने काम चली जान दो जान कौन देती सो बात सुनने लग जा है हाँ। और तेरी सासू तो गणी वाली है हर दूसरे दिन भेज दे तने फिर माँ पे काम को नहीं होता तने वेरा है अच्छा। 70 बीमारी लग रही है माँ के सरदा को नहीं हमने अच्छा फिर तेरी सासू भी गणी है जवान कर लिया सारा काम माँ तो घोड़े की जुकर है अच्छा ये सही कह बेबे मारली गोड़ी का लग रही है काम को नहीं होता इसका के बोली बताओ तो ले देख ले माफ कर दे फल तू बोलन लग रही है तू ए रेनू ठीक से मांगली दी बात ना करे भाभी सु तेरी समझ चा बना दे जा डो रहा है अंदर सिर पर चढ़ जाएगी न्यू को नहीं चा पानी पूछ लियूं ए कोई बात को नहीं तू भी माफ कर दिया कर या तो मुंह पटे बोल दे है मुंह पटे तन्ने मुंह लगा रखी है या तू दिल पर ना लिया कर दिल पर ना लिया कर जब भी तो इतनी मारी होती जा रही है रहन दे मां कदे भी आ लियूं न्यू मुंह चढ़ा इसका तो बस कर तू मेरी बेटी है मने बेरा है तेरा तू किसी है आज अच्छा पीवांगे ठीक से उसने तो कौन पूछी ए कह तो गई इतनी भी बुरी कौन तेरी भाभी पागल तो है पूछने वाला आ जा सुनो के हां सुनो बता 10-15 हज़ार रुपए दे उन्हें कि मैं पड़े हो तो के करे 10-15 हज़ार गई 11 स्काउच मन करूं सामान लेकर आऊंगी बर्तन भांडे हैं कपड़े हैं सब की मैं करना है अरे तेरी कुआ 11 कुआ तेरी 8 बेरा ने कितने पैसे लगाओ खर्च कर रहे तो मैं मान लूं इन चीजा ने जब वे सुख शांति है घर में सुख शांति है घर में के दिक्कत है बता देना सुख शांति मेरी वजह तो है घर में एहसान मानो मेरा मैं इन चीजा ने मानू ना जब वे सब की मैं ठीक है ठीक से दे ले कुलदीप ने कह दूं मैं जितने चाहिए तने कुलदीप तक क्यों लूं मैं पैसे मन अच्छा कौन लागे उस तक पैसे मांगू जो अरे तो सारा लेन देन उसके हाथ में दे रखा मैंने मैं कौन लाखता रुपये भी क्यों दे हो तो कि मैं अपने दौरे रखा करो अपने भी चाहिए हुए हैं ब्याह पाछा ना बात अलग हो जाए समझा करो अब बात ने किस्त छुपाई रखेंगे एक तो छोरा है आती बात करे तू भी फिर ये थोड़े से की जरूरत है तो उसका हाथ फैलाऊ मैं उस बहू ने कहूँ कि मन दो खर्चा पानी क्या थे क्यों जाम कौन रखा हमने फिर जाम रखा तो जब नू कह दी ब्याह पाछा बात अलग हो जाए था समझ में कौन ही आओगे कि मैं कौन मैं कह दूंगा उसने दे देगा छोटी छोटी चीजा खातर है ना उससे तो मांगू मैं और तो बेटा कौन गया अपना ठीक से शाना जब कहे तो मैं मांग लूंगी पीसे बस मैं कह दूंगा तने गणी शरम आ तो हां तो कह दियो कह दूंगा जो सामान लेना है ना ले आइए जाके फिर आगे तो यह बात ध्यान में बैठा लो मैं उस तब फिर नहीं मांगूंगी पीसे अपने दोनों रखा करो बचा करने ठीक से तो रख लिया रूंगा और बता कि मैं सब कि मैं उससे आगे पूछ दे हैं अपनी तो सोचो ही कोनी ठीक से तो अच्छी बात कर रहे हैं बेटा तो क्या लगोगी रखेंगे हम साड़ी सूड़ी पहन लिया ग्रांत कम तक हमें सूट पहन के बैठेगी माँ देखे हम अरोड़ा करेगी अच्छा माँ मेरे पता छो माँ आ जाएगी रेनू भी तो सासरा तक आया करे जब भी आवे सूट कौन पहन के आती वा कुलदीप हाँ माँ अरे मैं नू कौन थी वो क्या दस का उजमन करूँ बेटा तो 10-15 हज़ार रुपये दे देने हो तो ले ले माँ कौन 8 रुपया में तो भाई तेरे ते मांगने पड़ेंगे अरे माँ
थम तो पहली बार कर रहे हो ना, थमने इतना ना बेरा, मेरी माँ ने कर रखा गया स्कॉचमेंट, मैंने सारा ज्ञान है, मैं करवा दूंगी। ठीक से करवा दिए। और माँ इतने रुपये तो लग गए को नहीं, 5-7 हज़ार रुपये लग गए हैं। इतने के बेटा बेटा, कोई कितना दान करे, कोई कितना दान करे। क्यों माँ, मेरी माँ ने गणाए कराया था, ये उस तो फालतू के करोगे। मैं तो बहुत गणा कराया करूँ जब इतने पैसे लग गए हैं। कोई ना माँ, ठीक से आप रुपये दे दियो, कब चलना माँ फिर? इबे चल पड़ा इबे। ठीक से तुम अलमारी में रहते हो, दरोड़ा ले लिए उन मत। अच्छा उन मत देने हैं कि? ठीक से, ठीक से बेटा, ले फिर ओले तैयार। हाँ तैयार है हूँ माँ, मैं सूट में चल पड़ूंगी, क्यों है? ढंगे कपड़े पहन लिया कर, बहुत बुंदा लग गया ये सूट। कमाल की बात करो माँ, बहुत तो थामने सूटा में बूंदी लग गए, अरे बेटी सुथरी लग गए। ए बेटी मन तो तेरा साड़ी अच्छी लग गया घनी है, अरे रेनू का के है? रेनू तो पतली सी है, मन तो उसका कि मैं भी अच्छा कौन लग गया, सही पूछा तो वो काम चल रहा है बस। ठीक सा माँ, तो मैं तैयार हो लूँ हूँ, इतना थम चल लो। हाँ ठीक सा, जल्दी आ, ये काम भी हो जाएगा। फोन किसका आ गया? ओहो रेनू का है। हेलो। राम राम माँ। राम राम बेटा, ठीक से? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता। ए ठीक ठाक, मैं भी, हम तो बस बाजार में जावा थे, वो ग्यारस का उजमन करना है ना, वो सामान लेके आवा। हाँ मैं और तेरी भाभी। अच्छा माँ। हाँ उसने ले जान लगी के बा? तो के हो गया बेटा? के बात माँ, मेरा घर तो के छूट गया, तो हम तो मेरी पूछे करनी छोड़ गई। नू क्या तो बोलने लग रही है, सही कहने लग रही हूँ मैं। बेटा नू मन मारा ना करे, तने चलना है तो तू आ जा, तो मैं ले चलूंगी। तने मेरे लग तो कौन बताई? ए बस मेरा दिमाग घूम रहा था इस काम का चक्कर में, तो तू आ जा, उसकी ताल कर देंगे, आप दोनों चाल पड़ेंगे बाजार में आ जाइए सीधी। रहने दे माँ, उसने लेगी ना, मैं कौन जाऊंगी घर? पागल हो रही के, बाजार में आ जा। उसे ना घर रखा कर सारी चीजा में, तू इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तू आ जा बाजार में। मन्ना को नहीं आना कितने भी। मेरी लाडो बुरा ना मान, उसने कह दी थी तेरे भाई आ गया, फिर मैं भी मजबूर होगी, मैंने भी हाँ ही कर ली। उसका तो मैंने यही उम्मीद थी माँ, वो तो कौन मानना मेरी, उसका गुलाम हो रहा है। ओहो बस इन बातों ने छोड़ दे, और तू बाजार में आ जा सैर दे तैयार होकर, मैं तो ना आगे ही पाऊंगी। ठीक सा ठीक है। छोरी भी पागल से बहुत, एक भी काम इसकी मर्जी तो ना हो ना, नुए मुँह बना। माँ चल नुए नू चल पड़ांगे, कोनी टाइम लग जाएगा घना, साड़ी पहन में तो वार हो रही है पीने, तो नू कर टाले कर दे। ठीक सा, तो मैं पैर के आऊँ साड़ी, रुक जा। मैंने क्या कही, तू टाले कर दे, जाऊँ हूँ मैं, वहाँ रेनू आ जाएगी बाजार में, हम दोनों सामान ले आवांगे। अच्छा तो यह बात है, न्यू बोल फिर माँ, मेरे तक क्यों कहती फिर भीतर, अब तू चल पड़िए, जब रेनू ने बुलानी थी तो। तो तू इतना बोलने लग रही थी, छोरा का गए, मन्ने भी कह दी कि चल पड़। माँ परसों तो आई थी रेनू। तो तेरे के आग लग गए है उसका आते, आवे अपने घर ना आवे, अच्छी बात करो तू भी। आग लागन की बात कोनी माँ, आग लागे मन पर तो उतर जाएगी, जनू तीसरे दिन उराओगी तो। मारा बेटे उसे ही से कितने ना उतरा मन ते, अरू भी गणाए काम कर रहे है, पूरा घर ना संभाल रही है वा, तेरे की तरिया कोनी। ले चल माँ, मन ने भी थोड़ा सामान भी लाना था। के कही मने घर नहीं रहे? अच्छा तो कोई होना भी तो चाहिए, वे तो जा रहे है अपना काम सिर, तू बाजार में चल मेरा गैल, पीछे तो कोई आ गया तोर। ठीक से माँ। हाँ ठीक से, मैं भी चल लूंगी, साड़ी बांधी गई को नहीं, और अपना सूट में जात सी कर दी है। कोमल खान रुपये देगा था बाबू? देगा भाई, इतनी माता ही दे दी। तो बता तो दिया अगर, मैं उन्हें टोकन में मैं कह दूंगा। हां ठीक है बेटा, फिर बताऊं किसने? बाबू चाय बना दूं के? मां ना है तो हमने रुका है ना हमारा चाय खातर। बाजार में होने ये मैं क्या करूं थी बाजार में, जब तक थारी बेबे की चौधर चल रहे है, इतना मैं क्या कोई काम कर सकूं इस घर के? ये पहले ना बुझा कर, जो बात बुझ मैं बता कर। ठीक हूं, पहले तो मन ने तैयार कर दी थारा गग बाजार में चालिए, और फिर रेनू दोरो फोन कर दिया, बस सीधी बाजार में आ गई, माल लिया होगी सामान आप पे। गुल्ली पे तो कोई ना लिया होंगे, फिर तू तो क्यों इतनी हो रही है? कोई ना तो है ही, और मैंने के कही है थारते, ये बागा तो बुझोगे तो बताऊं भी ना। भाई तेरी मां की अच्छी बात होनी है, तीसरे दिन नो छोरी ने बुला ले भाई, की मतलब है अब बाप लग गए हैं। अरे डट जाए भाई, बात है पहला बाणर मां प्यारी लाग गया करे, डट जाए एक बार। मन ना एक बार कही थी माता, फिर माँ उल्टी बड़ लेके पढ़ाया था, बोला लुगाई कहीं बोल रहा है, फिर मैंने कहीं छोड़ दी। अरे यह भी तो बालक से, इसने की ज्ञान को नहीं यार, कमाल कर है, सारा सामान ले सके यार। बाबू ले सका है, छोड़ो बाबू, अरचाव किसने ना होता, खुद के घर के काम करण का, तो अपना घर को नहीं करे इतना काम है, को नहीं भरा तेरा पेट। मेरी भाभी आया पीछे कौन करे, मन तो एक दिन भी, और थम भी देखते हो गया चीज तो। भाई एक बात बता,
उसकी तो दरड़ की नड़ चल लगी, अपना घर ना चला हुआ लेर तीसरे दिन बुला ले तेरी माँ। बात माता कहना बाबू मेरे क्यों पचास पर कह ली मैंने तो ऊपर करके ही सारा काम करा बस फेरी तेरी ना माना तो माँ मेरी सुनेगी क्या मैं दर्द हुआ राम 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 बेटा दीपक आ जाओ दिए कुर्सी दिए बेटा बैठ लो सर किस तरह हो ये बात है बैठो पीछे पीछे आ ली किधर ही गए पीछे पीछे तो कौन आया जी लेकिन आया उससे की वजह तो हूँ क्या बात होगी बेटा बात क्या होगी जी क्या बताऊँ हमने कौन मेरा तीसरा दिन आड़ बैठी रहे हुआ और आज भी कहती भले माँ का फोन आया है कोई ग्यारह स्कूल उसका उजमन कर दिए होंगे भले जाऊँगी मैं नाटिया साहब माँ कौन जाना फिर भी भले मैं तो जाऊँगी मैंने नू कही थी माँ माँ के लिए बाडम चली जाइए डांगड़ा कराइए माँ उड़ा दूध खातर बाल्टी दे रही थी लात मारी उसका लागी पता सुख को नहीं उसका क्या है मेरे कान के देखा बाबू बात ये देखूं भाई मैं तो बटे जी मैं बताऊं आपने ये ना बताऊंगे इनकी तो भाण है क्यों कहेंगे सच्चाई ग्यारह का उजमन आज का कोनी इब टेम है आज तो सामान लाना था और वो तो मैं भी ला सकूं थी पर सिर पर बिठा रखी है क्यों न्यू कहता देखो बताऊंगी क्यों ना बताऊं ठीक है बढ़िया भाई गलत कोनी बोल दी सही कहो जी आप एक बात बताओ जी आनी क्यों देओ थे नाटते और के जबरदस्ती थोड़ी करे रवा एक बात भी कोनी सुन दी जी मेरी तो मेरे मम्मी बापू की कोनी सुन दी नुका दे मैं मेरी माँ कर लूंगी कुलदीप ठीक है बटे हो भाई गलत को निकंदा और तीसरे तो नाटे दरी गए है अरे आएगी राम राम बेटा की बात है साथ में आ जाते आप मैं तो देश ने भी नाटू था ने नाटो क्या था थे जी घर ने तो आ दी छोड़ी आया करें जी मान नो लेकिन साल छह महीना में आया करें और तीसरा दिन थोड़ी आया करें ये भी नाटे रख लो जी के मतलब जी मतलब ये हो जी मैं कौन ले जाऊँ इस नीम के लिए अरे यार बताना था मैं कि मरना चाहिए तलाक की विस्तार ना जी तलाक क्या तो दो मेरी बेटी ने गलती तो मेरे तय हो रही है मैं इसका घर उजाड़ू थी मेरी बेटी ने नू तलाक ना दो तो माँ और क्या करे नू बता जब उन ब्याह करने का कोई सुख है कोनी अगली उनका कोई काम में ना करती तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है तलाक से ही बात पहुंच जाएगी मैं तो आगे पहुंच जाती है छोटी मोटी बात तो चलती ना घर में बेटा तीसरे दिन आओगी तो कौन रखेगा अगला काम कौन के ना बता बाबू मैंने ना बता बता दी मैंने कुलदीप जी ये बताओ फिर आज कई दिन में घर न जाए अगर ये हर तीसरा दिन घर आ जाएंगी तो के सुखाड़ है फिर बहू का तो वह इसने कर रखी है फिर तो के है भैया जब घना जरूरी काम हो तो जाना जाओ को साल साल भर ये सारे एक से थोड़ी हो माँ तक कहूँ तो माँ फिर तो लुगा ये बात मारे है समझावा तो हाँ भाई लेकिन कौन माने के बताओ पर ईब जाऊंगी मैं ईब ना डटू काम के रह गया मेरा उरे नो बताओ इसने तो सुलझ जान दे मैटर ना तने रंग भर दे और जाएंगी रंग तो भरया गया जी ओ मैं तो लेके नहीं जाऊंगी इसने ना जी नो ना करो आज जोड़ू था रंग के माँ आज जोड़न तक ये फायदा तेरी वजह से मेरा घर जड़न लग रहा आज मेरी तो बालक बुद्धि थी तू तो बड्डी छानी थी घर में कम से कम तू तो समझा कर मने छोटी मोटी बात हो जाया करे घर में फिर इतनी बड़ी बात ना करो और राजी राजी लेके जाओ ठीक है थाला बैग फोन ले लो बैग आगे मां थोड़ा ही फोन ना करिए बगा जे उजमन करूं हूं रात व्रत करूं हूं बिना अपना बसा लेने दे कर अरे दांत रेन काट दई मर मर रैपटा अपना घर ना रह बेटा ना भाई ये भी 2 मिनट में छोड़ जा फिर के करा जद कवे गाना अभी जा जद आऊंगी तर कर ठीक से चलो चाय बना ले मैं सबकी हां बना ले ठीक है